हेलो गाइस, दिस इज पीयूष खंडेलवाल एंड आई वेलकम यू टू द चैनल गीक्स फॉर गीक्स प्रैक्टिस। जैसा कि आपको पता है, हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए एक प्रॉब्लम जो कि कंपनीज में रिसेंटली पूछी गई है, फिर हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग अप्रोचेस देखते हैं और उनके कोड को सबमिट करने की कोशिश भी करते हैं, राइट? आज जो प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो डी शो में पूछी गई थी अभी, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से, काउंट ऑफ सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव्स। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पेज आप देख रहे हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? वहां पर क्लिक करके आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। लेकिन पहले, उससे पहले डिफिकल्टी लेवल समझ लीजिए। देखिए, इसकी एक्यूरेसी जो है ना वो 19.05% है, यानी कि एक्यूरेसी बहुत कम है, यानी कि थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम ये होने वाली है। तो हम इसकी अलग अलग अप्रोचेस देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, और उसके बाद इसका फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो कि एक्सेप्ट होगा उस पर हम काम करेंगे, ठीक है? तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज काउंट वेज टू एक्सप्रेस अ नंबर एज अ सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, राइट? तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स यहां पर समझिए, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जैसे कि जो एडजेसेंट नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे एडजेसेंट नंबर्स हैं, ठीक है? एक एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं, जैसे 15 है, ठीक है? अब ना क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 15 को हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के सम, जैसे कि 1+2+3+4+5, राइट? तो ये सारे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स एडजेसेंट नंबर्स है, एक के बाद एक जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर्स हमारे, ठीक है? तो इन नंबर्स, जैसे अब मैं देखता हूं 1+2+3+4+5 करता हूं, तो इसका सम क्या आता है, 15 आता है। सिमिलरली 4, 5, 6, ये भी हमारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। 4+5+6 करता हूं, इसका सम भी क्या होने वाला है, 15 होने वाला है। ऐसे ही 7+8 भी हमारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। इन दोनों का भी मैं सम करूंगा तो क्या आएगा, रिजल्ट मेरा 15 आने वाला है। तो ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, चाहे वो किसी भी लेंथ के हो, 2 या 2 से ज्यादा लेंथ के हो सकते हैं, ठीक है? ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे एक पर्टिकुलर गिवन नंबर के लिए, ये हमें पता करना है। तो अब देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़ता हूं। गिवन अ नंबर n, ठीक, तो n इज 15 ओवर हियर। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट दिस नंबर एज अ सम ऑफ 2 or more कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, राइट? तो हमें कितने तरीके से, अब यहां पर देखिए 15 के कितने तरीके हैं, कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो अगर बात करूं 1, 2 and 3, तो 3 तरीके हमारे पास हैं जिससे कि मैं 15 को एज अ सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो आंसर टू 15 विल बी 3 over here। आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अब कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली, राइट? तो अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को, इसके लिए हमें क्या अप्रोच हमें फॉलो करनी है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर देखना है तो कैसी अप्रोच हमें फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहली अप्रोच जो मेरे दिमाग में आनी चाहिए वो है ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच आपको समझ में आता है, ब्रूट फोर्स इज फाइंडिंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, सारे के सारे कॉम्बिनेशंस बना करके एक बार चेक करने वाला हूं, राइट, कि वो कॉम्बिनेशंस जो है वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस बना के फिर हम बताएंगे कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, जो वैलिड कॉम्बिनेशंस हैं जो कि एक पर्टिकुलर एन के इक्वल हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एन की वैल्यू सपोज 15 थी मेरी, तो ये मेरे पॉसिबल नंबर है 1 to 15, राइट? अगर एन है 15 तो पॉसिबल वैल्यूज एन 1 to 15 हमारे पास ये हो गई, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, इस वन से देखिए, एक स्टार्ट पॉइंटर मैंने लिया, राइट, इसको मैंने अपना स्टार्ट मान लिया, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया, एक एंड लिया, और एंड कहां पे लिया, स्टार्ट के जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर को मैं अभी क्या करता हूं, अपना एंड मानता हूं, ठीक है? तो मैंने क्या किया है, एक रेंज, जैसे नंबर दिया 15, तो मैंने क्या किया, 1 से लेके 15 तक पूरे नंबर्स को एक लाइन में लिख लिया, राइट? और 1 को मैं स्टार्ट मानता हूं अभी, ये स्टार्ट यहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? और यहां 1 से यहां तक एंड जो है, ठीक, एंड मैंने क्या किया, हमेशा स्टार्ट का नेक्स्ट वाला नंबर को मैं शुरू में एंड मानता हूं, ठीक है? तो अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए, स्टार्ट से लेके एंड तक का सम फाइंड कर रहा हूं। तो स्टार्ट से लेके एंड तक का सम क्या है यहां पर, विच इज 3, राइट? तो स्टार्ट से लेके एंड तक का सम क्या हो गया, 3 हो गया हमारा यहां पर, ठीक है? अभी लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, क्या 1 से जब मैं स्टार्ट करूं और उसके सारे कॉन्सिक्यूटिव जितने नंबर उसके बाद आ रहे हैं उन सबको सम करता चला जा रहा हूं। तो अभी मैंने क्या किया, 1 से लेकर के 2 तक का जो एंड में, जो एंड इस पे 2 पर, तो यहां तक का सम निकाला, वो क्या है, 3, ठीक है? तो 3 जो है वो 15 से कम है,
राइट, अभी ये 15 से कम है, तो हम क्या करेंगे, इस एंड को एक आगे बढ़ा देंगे। देखिए इस एंड को मैंने आगे बढ़ा दिया, अब 1 से लेकर के 3 तक का सम निकालेंगे, तो 1 से लेकर 3 तक का सम कितना है, 6 हमारे पास है, राइट। तो 1 से लेकर 3 तक का सम क्या हो गया, 6। अभी भी ये 15 से कम है, तो हो सकता है कि आगे मैं बढ़ता चला जाऊं, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मुझे मिल जाए कि सम मेरा क्या हो जाए, 15 हो जाए। तो देखिए अब मैं आगे बढ़ गया, एंड को मैंने एक और आगे बढ़ा दिया, 1 से लेके 4 तक का सम कितना होने वाला है, विच इज 10, राइट। तो 1 से लेके 4 तक का सम कितना हो गया, 10। अभी भी ये 15 से कम है, तो हो सकता है कि आगे मैं आगे बढ़ूं, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिल जाए कि पूरा सम जो है 1 से लेके किसी एक नंबर तक 15 हो जाए। तो देखिए अब 1 से लेके 5 तक मैंने एंड को आगे बढ़ाया, और स्टार्ट से लेके एंड तक का सम मैं फाइंड कर रहा हूं, ठीक है। तो स्टार्ट से लेके एंड तक का सम फाइंड किया, यहां पर क्या हो गया, 15, राइट। तो अब जब मैंने देखा स्टार्ट से लेकर के एंड तक का सम क्या हो चुका है, 15 हो चुका है, तो मैं एक काउंट वेरिएबल लूं, राइट, यानी 1 से जब मैं स्टार्ट करूंगा और उसके एडजेसेंट नंबर को ऐड करता चला जाऊंगा, तो एक ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलेगा 1 से लेकर 5 तक का, मतलब 5 पे जब जाके रुकूंगा तो मेरे को एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा जहां सम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और जैसे ही सम 15 होगा तो मैं क्या कर दूंगा, यहां से ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि अब 1 के बाद ऐसी कोई चेन नहीं मिलेगी जिसमें कि सम 15 आने वाला है। अब मैं अपने स्टार्ट को क्या करूंगा, मूव कर दूंगा नेक्स्ट नंबर पर, कुछ इस तरीके से। देखिए अब मेरा स्टार्ट किस पे आ गया, 2 पर आ गया, और एंड क्या हो गया, स्टार्ट का नेक्स्ट नंबर, विच इज माय एंड, राइट। अब क्या करने वाले, फिर से वही करना, देखिए यहां का सम क्या हो गया, 5, 2 प्लस स्टार्ट से एंड तक का सम 5, अभी भी 15 से कम है, तो क्या करेंगे, एंड को एक आगे मूव करेंगे। तो एंड को आगे मूव किया, स्टार्ट से लेके एंड तक का सम क्या हो गया, 9 हो गया, राइट। तो अभी भी क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरे को यहां 2 से स्टार्ट करूं और सम 15 मिल जाए, हो सकता है, वी डोंट नो आगे क्या नंबर होने वाला है, राइट। तो हमने क्या किया, आगे सम किया, तो 2 से लेकर के 5 तक का सम 14 हो गया। अभी भी पॉसिबिलिटी है कि मेरे को आगे जो है इसका सम क्या मिल सकता है, 15 मिल सकता है। तो देखिए मैं आगे ट्राई किया, 2 से लेकर 6 तक का सम क्या हो गया, 20 हो गया। तो 2 से लेकर 5 तक का सम तो मिल रहा था 14, 2 से लेके 6 तक का सम हो गया 20, राइट। जब ये सम 14 हो गया, 20 हो गया, तो इसके बाद आगे तो कोई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे को कोई सम मिलेगा जो कि 15 होगा, राइट। तो अब मेरे को 2 से तो कोई ऐसा 2 से स्टार्ट करके ऐसी कोई चेन नहीं मिलने वाली, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं मिलने वाला। तो मैं यहां पर इसको ब्रेक कर सकता हूं, आप क्या कर सकता हूं, 3 के चेक कर सकता हूं कि 3 से स्टार्ट होने वाला कोई सीक्वेंस मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए 3 से स्टार्ट किया, 3 प्लस 4 यहां तक का सम अभी क्या है, 7। फिर मैंने एंड को आगे बढ़ाया, फिर सम बढ़ाया, तो 12 हो गया, ठीक है। फिर मैंने आगे बढ़ाया और देखिए सम क्या हो गया, 18 हो गया। तो यहां तक का सम तो मिल रहा था मुझे 12, यहां तक का सम मिल रहा है 18, तो यानी 3 से स्टार्ट होने वाला कोई सीक्वेंस मुझे नहीं मिलने वाला। तो देखिए इस ब्रूट फोर्स अप्रोच में हमने जनरली क्या किया है, 1 से स्टार्ट होने वाले सीक्वेंस पता किए, 2 से स्टार्ट होने वाले सीक्वेंस पता किए, 3 से स्टार्ट होने वाले सीक्वेंस पता किए, और कहां तक पता करेंगे, 14 से स्टार्ट होने वाले सीक्वेंस तक हम पता करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे के सारे पॉसिबल सबके सीक्वेंस निकालेंगे, और जिसका भी सम 15 आ जाएगा उस पे एक काउंट को बढ़ा देंगे। तो देखिए कोड अगर मैं देखूं तो कोड कैसे करेंगे इसका, देखिए ये हमारा कुछ मैंने एक ड्रॉ कर दिया यहां पर, ठीक है। अब कोड एक काउंट वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे, तो मैंने काउंट वेरिएबल लिया इनिशियली 0, ये काउंट मैं जब इंक्रीज करूंगा जब मुझे सम 15 के बराबर मिल जाएगा। तो देखिए अब मेरा स्टार्ट कहां से कहां तक चलने वाला है, स्टार्ट 1 से लेकर चलने वाला है n माइनस 1 तक, यानी 14 तक। तो मैंने स्टार्ट को कहां से कहां तक चलाया, 1 से लेकर n माइनस 1 तक, 14 तक मैं इसको चलाने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब देखिए हर एक स्टार्ट के लिए, जैसे स्टार्ट यहां पर है तो एंड क्या होगा उसके नेक्स्ट वाला, स्टार्ट जब ये रहेगा तो उसका एंड क्या होगा उसके नेक्स्ट वाला, स्टार्ट जब ये रहेगा तो एंड क्या होगा उसके नेक्स्ट वाला। तो एंड जो है वो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्टार्ट प्लस 1, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सम इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड, तो सम हमारा क्या है स्टार्ट प्लस एंड। तो सम क्या है इनिशियली, देखिए स्टार्ट यहां पर है, एंड यहां पर है, सम इनिशियली ये हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट प्लस एंड। तो इनिशियल सम जो होगा वो स्टार्ट प्लस एंड होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, व्हाइल सम इज लेस देन एंड, जब तक हमारा सम जो है वो 15 से छोटा है तब तक हम क्या करेंगे, एंड को बढ़ाते रहेंगे और अपने सम को इंक्रीज करते रहेंगे, राइट, यही करा था हमने। तो एंड को बढ़ाते रहेंगे और सम को इंक्रीज करते रहेंगे, कब तक, जब तक हमारा सम जो है वो एन से, यानी जो नंबर हम जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उससे छोटा है। तो देखिए एंड को बढ़ाया, एंड इज इक्वल टू एन प्लस 1, और सम इक्वल टू सम प्लस एंड हमने यहां पर कर दिया। अब क्या करते हैं, देखिए जैसे ये लूप ब्रेक होगा,
ये जो लूप है यानी सम इज लेस देन एन वाला लूप ब्रेक होगा तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो सम एन के बराबर हो चुका होगा तब इस लूप से बाहर आएंगे, या सम एन से बड़ा हो चुका होगा, राइट। तो सम अगर एन के बराबर हो चुका होगा तो इसका मतलब हमें एक सीक्वेंस मिल चुका है और हम यहां पर काउंट को इंक्रीज कर देंगे, लेकिन सम अगर बड़ा हो चुका होगा तो हम कुछ नहीं करने वाले, राइट। तो ये अप्रोच है हमारी जिसमें कि एक पर्टिकुलर कोड है, पीस ऑफ कोड है जो कि ब्रूट फोर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने लिखा है। अब एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपने पोर्टल पर और वहां पर इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की या टाइप करने की कोशिश करते हैं, वहां पर सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं लॉन्च करता हूं अपने प्रैक्टिस पोर्टल को, यहां पर हमें सॉल्यूशन सबमिट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पर सबसे पहले कोड हैज टू बी रिटन हियर, ठीक। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए था, काउंट वेरिएबल चाहिए था। देखो मैंने काउंट की वैल्यू क्या थी, जीरो। उसके बाद मेरे को एक स्टार्ट लूप चलाना था, स्टार्ट जो चल रहा था वो कहां से कहां तक चल रहा था, वन से लेके एन माइनस वन तक। तो मैं लिखा फॉर स्टार्ट इन रेंज, राइट, वन से लेके कहां तक, एन माइनस वन तक, ठीक है। तो ये मेरा स्टार्ट चलेगा यहां से यहां तक। उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो स्टार्ट, जब मैं स्टार्ट सेट किया था तो फिर मैं क्या सेट कर रहा था, एंड अपना सेट कर रहा था, और एंड वॉज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस वन। तो हमेशा एंड क्या होना, इनिशियली एंड क्या होगा, स्टार्ट का नेक्स्ट एलिमेंट। उसके बाद मैं क्या कर रहा था, सम जो है वो फाइंड कर रहा था, इनिशियल सम मेरा होगा विल बी स्टार्ट प्लस एंड, क्योंकि इनिशियली स्टार्ट और एंड जो है दोनों नेक्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो सम हमने इनिशियली ये मान लिया। अब उसके बाद हम कब तक सम करते चले जाएंगे, जब तक कि हमारा सम जो है, व्हाइल सम इज लेस देन एन, जब तक सम जो है वो एन से छोटा है तब तक हम क्या करते जाएंगे, पहले एंड को बढ़ाएंगे, एंड वाले पॉइंटर को एक आगे मूव करेंगे, एंड प्लस इक्वल्स टू वन, ठीक है। और मैंने क्या किया, सम को भी बढ़ा दिया, सम को भी इंक्रीज किया, सम प्लस इक्वल्स टू एंड। तो सम में मैंने एंड वाली जो वैल्यू है वो एड कर दिया, एंड को आगे बढ़ाया और सम में एंड कर दिया। ये कब तक करेंगे, जब तक हमारा सम जो है वो एन से छोटा रहेगा। अब देखिए दो केस में, जैसे मैंने बताया था, दो केस में ये लूप ब्रेक होगा, या तो सम एंड के बराबर हो चुका होगा या सम एंड से बड़ा हो चुका होगा। तो बड़ा हो चुका है उस केस में हमें कुछ नहीं करना, सीधे बाहर निकलना, फॉर की नेक्स्ट इटरेशन चलानी है। लेकिन अगर लूप जो सम है वो एंड के बराबर हो चुका है, उस केस में लूप ब्रेक हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहां चेक करेंगे इफ सम इक्वल्स टू एन, राइट। अगर सम एंड के बराबर हो चुका है उस केस में हमें क्या करना है, अपने काउंट जो वेरिएबल है उसको बढ़ा देना है वन से, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, काउंट को ही रिटर्न करने वाले। तो फॉर लूप जब मेरा पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिटर्न काउंट, ठीक है, काउंट वेरिएबल को रिटर्न करेंगे। अब इस कोड को मैं सबमिट करता हूं, राइट। तो देखिए ये मेरा कोड था, इसको मैं सबमिट करने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा। तो पहले कंपाइल कर लेते हैं इसको, कंपाइल पे मैंने क्लिक किया तो कोड मेरा एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। और 10 के लिए आंसर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो कंपाइल तो सक्सेसफुली हो रहा है, रन भी हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करता हूं, सबमिट पे क्लिक किया, ठीक है। जब मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूं तो ये काफी टाइम ले रहा है इवेल्युएट के लिए, इवेल्युएशन के लिए, राइट। और उसके बाद अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इट इज गिविंग मी समथिंग विच इज कॉल्ड टाइम लिमिट एक्सीडेड। ये टीएलई जो एरर है ना, ये बहुत आपको देखने को मिलेगी अगर आपने कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स को मैच नहीं किया, अपने एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट को मैच नहीं किया। ये कैसे पता चलेगा, तो प्रोग्राम मेरा सही है, लॉजिक मेरा सही है, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है तो कुछ टाइम जो टाइम है ये ज्यादा ले रहा है, ठीक। तो हम देखते हैं यहां पर टाइम हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा प्रोग्राम ज्यादा ले रहा है। तो देखिए जब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो गिवन था ना, वहां पर मेरे को ये चीज गिवन था, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच वॉज स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो ये जो पोर्टल है या जो यहां पर है, जो हमें सॉल्यूशन देना है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, बिगो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन, रूट एन, राइट। लेकिन मेरे सॉल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है मुझे ये पता करना पड़ेगा, और क्योंकि वो ज्यादा होगी उसी केस में वो क्या मिल रहा है, टाइम लिमिट एक्सीडेड वाली जो है एरर मिल रही है। तो देखिए ये मेरी प्रॉब्लम, ये मेरा अप्रोच था, ठीक। मैं क्या करता हूं, देखता हूं, देखिए स्टार्ट जो है कहां से कहां तक चलेगा, स्टार्ट चलेगा मेरा, स्टार्ट पहले वन होगा, फिर टू होगा, फिर ये वन से लेके ये चलना है एन टाइम्स,
राइट, स्टार्ट कहां तक चलना है, वन से लेकर के एन माइनस वन तक, लेकिन एंड कैसे चलना है, ये वाला जो लूप है देखिए, व्हाइल सम इज लेस देन एन, एंड को हम यहां से लेके जा रहे हैं यहां तक इंक्रीज कर, वर्स्ट केस में क्या होने वाला है, एंड जो है यहां से यहां तक जाएगा, पहली बार एन माइनस वन टाइम चलेगा, राइट, दूसरी बार एन माइनस टू टाइम चलेगा, तीसरी बार ये एन माइनस थ्री टाइम्स चलने वाला है, ऐसे लास्ट में ये एक बार चलेगा, एंड जो है ये वाला लूप जिस इंटरनल लूप की हम बात कर रहे हैं, ठीक। और इसको अगर मैं ऐड करूं टोटल, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला गुड बी एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, इस फॉर्मूले को अगर मैं लगाता हूं राइट, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ एन या एन टू दी पावर वन बाई टू, राइट, और हम क्या दे रहे हैं, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। इसीलिए आपने देखा कि जो आउटपुट आ रहा था, जो एरर आ रही थी, वो कह रही थी टाइम लिमिट एक्सीडेड वाली चीज हमें मिल रही थी। अब हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, इससे ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें सोचना पड़ेगा, जैसे जो कि एन स्क्वायर से कम हो, अगर हम इससे कम टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए तो शायद हम अपना सॉल्यूशन को सबमिट कर पाएंगे, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और अप्रोच, नई अप्रोच सोचनी पड़ेगी, दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो एक अप्रोच जो मेरे पास है वो है प्रीफिक्स सम अप्रोच। प्रीफिक्स सम अप्रोच की अगर मैं बात करूं आपसे, तो प्रीफिक्स का मतलब हमें समझ आता है, प्रीफिक्स से कुछ भी चीज हमें पहले ऐड, जो पहले ऐड होती है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कोई भी नंबर गिवन है, सपोज 15 मेरे पास यहां पर गिवन है, 15 के लिए मैंने क्या किया, 0 से लेकर के 15 तक ये नंबर्स मेरे पास इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनिशियली हम एक नया लिस्ट लेंगे, और उस नए लिस्ट में हम 0 अपने पास स्टोर करके रखेंगे, नए लिस्ट में पहला एलिमेंट डाल दिया हमने 0, ठीक है। उसके बाद इस लिस्ट में हम नए नए एलिमेंट्स ऐड करेंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स ऐड कैसे करने वाले हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे 0 है यहां से, ये दिस इज स्टार्ट, राइट, 0 से लेके 1 तक का सम कितना हुआ, मतलब 0 से 1 तक का सम कितना हुआ, 1। तो ये हम एक नया एलिमेंट, एज अ नया एलिमेंट इसको ऐड कर देंगे अपनी लिस्ट में, ठीक है। अब देखिए, 0 से लेके 2 तक का सम कितना हुआ, इट इज 3, 0 प्लस 1 प्लस 2 व्हिच इज 3, राइट। तो इस एलिमेंट को भी हम किसमें ऐड कर देंगे, अपनी लिस्ट में। तो मेरी लिस्ट में कितने एलिमेंट हो चुके हैं, 3 एलिमेंट अभी मेरी लिस्ट में आ चुके हैं, ठीक है। 0 से लेके 3 तक का सम कितना हुआ, 6, ये भी हम किसमें ऐड कर देंगे, अपनी लिस्ट में। तो मेरी लिस्ट में 4 एलिमेंट्स हो चुके हैं। तो देखिए, अपनी जब मैं लिस्ट बना रहा हूं, ये नई लिस्ट जब बना रहा हूं, तो क्या कर सकता हूं, देखिए अभी तक के जो सम मिल गए प्लस करंट एलिमेंट, ये कर सकता हूं। तो देखिए नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 6 प्लस 4 व्हिच इज 10। तो ये 10 क्या है मेरा, एक्चुअल में क्या है, यहां से लेके यहां तक का सम, ठीक। लेकिन मैं नेक्स्ट एलिमेंट कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूं, दिस माइनस 1 प्लस दिस एलिमेंट, तो यहां तक का सम जो हो गया वो प्लस करंट एलिमेंट, तो वही तो दे देगा मुझे यहां तक का सम। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इसी तरीके से 5 तक का सम मैं निकाल सकता हूं, 15, 0 से लेके 6 तक का सम 21, 0 से लेके 7 तक का सम 28, 0 से लेके 8 तक का सम 36, 0 से लेके 9 तक का सम 45, 10 तक का सम 55, 11 तक का सम 66, 12 का सम 78, 13 का सम 91, 14 तक का सम 105 और 15 तक का सम हो गया 120। तो हमने इस तरीके से कोई भी नंबर हमें गिवन था 15, जब मुझे 15 गिवन था तो मैंने क्या किया, 0 से लेके 1, 2, 3, 4 सब जितने भी नंबर बीच में आए उन सब का एक प्रीफिक्स सम, इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम हम लेकर के एक नई लिस्ट में स्टोर, अब मेरे पास एक लिस्ट बन चुकी है कुछ इस तरीके से, राइट। अब मैं क्या करता हूं, जैसी लिस्ट बनी, अब मैं क्या करने वाला हूं, एक यहां से स्टार्ट करूंगा, पहले एलिमेंट से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मेरा पहला एलिमेंट क्या है, 0, राइट। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मेरे को एलिमेंट है तो एक वेरिएबल मैंने लिया है काउंट, राइट। इस काउंट की वैल्यू है अभी 0। इस काउंट को मैं इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज करता हूं किसी एक पर्टिकुलर केस में, इस काउंटर को, ठीक है। किस केस में इंक्रीज करता हूं, तो देखिए जो भी मेरा करंट एलिमेंट है जिसको स्टार्ट अभी पॉइंट कर रहा है, उसमें से मैं एन को, यानी जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर है 15, उसको सबट्रैक्ट करूंगा। तो यहां पर करूंगा मैं 0 माइनस 15, 0 माइनस 15 क्या हो गया, -15। और जो रिजल्ट आ रहा है उसको मैं सर्च करूंगा अपने इस नई लिस्ट में, राइट। तो मैंने क्या किया, अपनी नई लिस्ट को ट्रेवर्स करना शुरू किया, ठीक है। जो एलिमेंट अभी है, जैसे पहला एलिमेंट
इसमें से मैंने 15 को यानी n को जो भी एलिमेंट जो भी मेरी वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट किया, जो रिजल्ट आया उसको मैंने सर्च किया पूरी लिस्ट में, अगर वो इस लिस्ट में प्रेजेंट है तो मैं इस काउंटर को इंक्रीज कर दूंगा, अगर वो इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो मैं कुछ नहीं करने वाला, सीधा आगे बढ़ जाऊंगा। तो देखिए -15 इस लिस्ट में प्रेजेंट है, नहीं है तो मैं सीधे आगे बढ़ जाऊंगा, काउंट इंक्रीज नहीं होगा, ये ग्रेड आउट है दिख रहा होगा आपको, तो इसका मतलब ये काउंटर कोई इंक्रीज नहीं होने वाला, ठीक है हम आगे बढ़ गए। नाउ 1-15 इज -14, -14 भी इस पूरी लिस्ट में कहीं प्रेजेंट नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 3-15 इज -12, पूरी लिस्ट में कहीं प्रेजेंट नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 6-15 इज -9, अभी भी कहीं प्रेजेंट नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे। 10-15 इज -5, कहीं भी प्रेजेंट नहीं है पूरी इस लिस्ट में, आगे बढ़ जाएंगे। नाउ सी 15-15 इज 0, राइट, 15-15 इज 0, तो अभी सम क्या है 15, इसको में से माइनस किया हमने 15, सम क्या आया 0 जो रिजल्ट है, तो 15-15 क्या हो गया 0। तो इसको मैं आप इस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए कि यहां तक का सम तो है 15 और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया 15, क्या मैं 0, इस 0 को हमने सर्च किया, 0 यहां पर है, बिल्कुल है, तो अगर मैं 0 को यहां से हटा दूं, आप देखिए राइट, तो यहां से यहां तक का सम 15 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने प्रीफिक्स सम ऐड हटा दिया, ठीक है। तो यहां से यहां तक का सम अगर आप निकालोगे 1+2+3+4+5 राइट, तो इसका सम क्या होने वाला है 15 हो जाएगा, इसीलिए हमारा ये काउंट को हम क्या करने वाले हैं, इंक्रीज करने वाले हैं। देखिए काउंट हमारी अब क्या हो गई, 1 हो गई। नेक्स्ट केस में देखते हैं, एक बार फिर से देखिए नेक्स्ट केस में देखते हैं। अब देखिए यहां पर सम क्या आ रहा है 21, 21 माइनस 15 क्या हुआ 6, 21 माइनस 15 इज 6 राइट, तो जब मेरे को 21 माइनस 15 मिला 6 और 6 को मैंने सर्च किया, क्या 6 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है यहां पर, देखिए 6 प्रेजेंट है, इसका मतलब कि मैं क्या करने वाला हूं, काउंट को फिर से इंक्रीज करने वाला हूं। फिर से एक बार लॉजिक समझाता हूं कि 6 प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है। तो देखिए 21 में से मैंने 15 सब्ट्रैक्ट किया, मुझे क्या मिला 6 राइट, और 6 कहां पर प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है, यानी मैं इतने एरे को अगर हटा दूं, देखिए इतने एरे को अगर मैंने हटा दिया तो यहां से यहां तक का सम क्या होने वाला है 15 होने वाला है। 21 माइनस 6 क्या होता है 15, तो देखिए 4+5 इज 9, 9+6 इज 15, तो ये सम मुझे 15 मिल जाएगा। इसका मतलब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां तक का सम क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसीलिए हम अपने काउंट को फिर से इंक्रीज कर देंगे और काउंट हो जाएगा 2, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए नाउ सी 28-15 इज 13, 13 यहां पर कहीं प्रेजेंट है, नहीं है, इसका मतलब मेरे को जो है यहां पे कोई मतलब काउंट नहीं बढ़ाना, आगे बढ़ना है। अब देखिए 36-15 इज 21, क्या 21 यहां पर प्रेजेंट है, 21 प्रेजेंट है, 21 प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि यहां से 21 तक हटा दीजिए, ठीक है, यहां से यहां तक का सम 7+8 मुझे 15 मिल जाएगा राइट। तो नाउ वी आर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू इंक्रीज द काउंट, तो हमने काउंट को 3 कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए 45 के केस में 30 नहीं प्रेजेंट है तो सम नहीं बढ़ेगा, ठीक है। 55 के इसमें 40 नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। 66 के 51 नहीं प्रेजेंट है तो सम नहीं बढ़ेगा, ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हर एक नंबर के लिए। अब लास्ट में देखिए यहां पर आते हैं, हम 120 पर अगर आता हूं मैं लास्ट नंबर पे, ठीक है, यहां पे आता हूं तो 120-15 जब मैं करूंगा तो क्या आएगा 105 आएगा राइट, 105, और 105 प्रेजेंट है, 105 प्रेजेंट है राइट, एंड वी शुड इंक्रीज द काउंट, बट We will not be increasing the count in this case because 120 का मतलब ये 105 में से माइनस करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एक लेंथ का यानी 15, यही 15 मिलने वाला है यहां से यहां तक का, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा था कि हमें दो से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव लेंथ वाले नंबर चाहिए थे, तो हम ये वाला केस जो है इग्नोर कर देंगे, और जब इग्नोर करेंगे तो हमारा जो है इस हम अपना लूप स्टार्ट यहीं तक चलाएंगे, इस यहां तक लूप हमें n-1 तक चलाना है, n तक नहीं चलाना अपने लूप को, ठीक है, क्योंकि हम टू और टू मोर देन टू वाली लेंथ वाले चेन जो है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की जो चेन है उसको कंसिडर करने वाले हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ये समझ में आ गया,
तो हम कहां तक लूप चलाएंगे, n माइनस वन तक लूप चलाएंगे, और क्या करेंगे, जो प्रीफिक्स सम है उसमें से हर एक एलिमेंट को उठाएंगे, हर एक एलिमेंट को उठाने का तो उसमें से n को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर यहां पर सर्च करेंगे इसी में, अगर वो मिल जाता है तो काउंट को इंक्रीज कर देंगे, और नहीं मिलता तो हम कुछ भी नहीं करने वाले, हम सीधे आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, और चलेंगे कब तक, एन माइनस वन तक। तो देखिए अप्रोच आपको शायद समझ में आ गई होगी, इसके कोड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूं, ठीक। तो देखिए यहां से हमारा पहले हम प्रीफिक्स सम निकालते हैं, सबसे पहले कोई भी नंबर गिवन है उसका जीरो से लेकर के प्रीफिक्स सम निकालते हैं। तो पहला एलिमेंट देखिए मैंने क्या किया, काउंट लिया एक वेरिएबल जीरो, तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रीफिक्स सम, ये मेरी नई लिस्ट बनाई है मैंने प्रीफिक्स सम, और इसमें मैंने एक एलिमेंट डाल दिया जीरो इनिशियली, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस प्रीफिक्स सम को पूरा, ये पूरी लिस्ट हमें नई बनानी है, तो कैसे बनाते हैं आपको बताया था मैंने, फॉर आई इन रेंज 1, n, ये कहां तक चलेगा, n माइनस 1 तक चलेगा लूप ये, तो कहां से कहां तक चल रहा है, 1, n14 तक ये लूप चलने वाला है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए नया एलिमेंट कैसे बनेगा, प्रीफिक्स सम डॉट अपेंड, अब इसमें एक नया, इसी अपनी लिस्ट में एक नया एलिमेंट अपेंड कर रहे हैं, और वो एलिमेंट कैसे बन रहा है, मैंने आपको बताया था 0 + 1, यानी प्रीफिक्स, अगर मेरे को ये एलिमेंट बनाना है, फर्स्ट एलिमेंट बनाना है 1, ठीक है, तो इसमें क्या प्रीफिक्स सम माइनस 1, प्रीफिक्स सम यानी इस एलिमेंट को बनाने के लिए, या ये एलिमेंट ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट में ये वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, 0 + 1 मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। तो देखिए प्रीफिक्स सम आई माइनस 1, तो जब इस एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं तो आई माइनस 1 दिस इज 0 एंड प्लस आई यानी 0 + 1, इससे मेरे को ये एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस एलिमेंट के लिए दिस प्लस दिस विल गिव मी दिस, दिस एलिमेंट के लिए दिस प्लस दिस, तो i माइनस 1 प्लस i विल गिव मी ith एलिमेंट, राइट। तो जब भी ith एलिमेंट की बात करेंगे i माइनस 1 इसी लिस्ट का, और उसमें i ऐड करके नया एलिमेंट हम बना देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब ये लिस्ट पूरी बनकर तैयार हो जाएगी इसी तरीके से, अब हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे, तो स्टार्ट हमारा क्या है, फॉर एवरी एलिमेंट, ये ईएलई यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक, हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे। अगर ये ईएलई माइनस एन, तो 0 - 15 सर्च किया था, 1 - 15, 3 - 15, 6 - 15, 10 - 15, ये हमने सर्च किया था, तो ईएलई माइनस एन हम किस में सर्च करने वाले हैं, अपनी इस पूरी लिस्ट में सर्च करने वाले हैं। अगर ये है तो हम क्या करने वाले हैं, अपने काउंट को इंक्रीज करने वाले हैं। आई होप आपको अप्रोच समझ में आई होगी, हमें इसको कोड करना है और ट्राई करना है, सबमिट करके देखेंगे क्या ये अप्रोच हमारी एक्सेप्ट होती है अपने गीक्स और गीक्स प्रैक्टिस पोर्टल पर, ठीक है। तो चलते हैं फिर से वापस अपने पोर्टल पर और वहां पर इस अप्रोच को सबमिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो देखिए काउंट लिया हमने 0, राइट, और एक हमने प्रीफिक्स सम लिया, इसको मैं शॉर्ट हैंड में कर देता हूं प्री सम, राइट। तो प्रीफिक्स सम लिया हमने, और इनिशियली ये जो लिस्ट है ये क्या करती है हमारी, एक में एक ही एलिमेंट होगा विच इज 0, ठीक। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम एक प्रीफिक्स सम की पूरी लिस्ट बनाने वाले हैं फॉर आई इन रेंज, ये कहां से कहां तक चलेगा, ये लूप चलने वाला है हमारा 1 से लेकर n तक, यानी n माइनस 1 तक। एक्चुअली जब n लिखते हैं तो n रेंज इज नॉट इंक्लूड, तो n माइनस 1 तक चलाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्री सम जो हमारा नई लिस्ट है, ठीक है, इसमें नया एलिमेंट अपेंड कर देंगे अपेंड, और वो नया एलिमेंट क्या होने वाला है, प्री सम, ठीक है, इसका i माइनस 1 एलिमेंट, ठीक, प्री सम आई माइनस 1 प्लस i, ये वाला जो एलिमेंट है हम यहां पर ऐड करने वाले हैं, ठीक। तो प्री सम आई माइनस 1, और इस फॉर लूप से मेरी पूरा जो नई प्री सम लिस्ट है वो बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, पूरी जो प्री सम लिस्ट है उसको ट्रेवर्स करना है फॉर ई एल ई इन प्री सम, ठीक, हर एक एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, इफ ई एल ई माइनस एन इन प्री सम, अगर है तो हम क्या करने वाले हैं, काउंट को इंक्रीज करने वाले हैं, काउंट प्लस इक्वल्स टू
वन, तो अपने काउंट को इंक्रीज कर देंगे। और जब ये पूरे फॉर लूप ट्रेवर्स हो जाएगा तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न काउंट। ठीक, तो सिंपल सी अप्रोच, यहां पर हमने प्रीफिक्स, ये अपनी नई लिस्ट बना ली प्रीफिक्स सम की, और यहां पर ट्रेवर्स कर देगा ELE माइनस N अगर उसके अंदर है हर एक एलिमेंट के लिए, तो हमने काउंट को इंक्रीज किया और लास्ट में अपने काउंट को सबमिट कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक, अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैं सब पहले इसको हम कंपाइल करके देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको कंपाइल एंड रन पे क्लिक करता हूं। ठीक, कंपाइल रन पे क्लिक किया, इसका चेक हुआ आंसर। अब देखिए 10 के लिए 1 दे रहा है, बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। ठीक, तो द लॉजिक इज वर्किंग फाइन। अब मैं इसको सबमिट करता हूं। देखिए मैं इसको सबमिट किया, जब मैं इसको सबमिट कर रहा हूं ना तो कंपाइल तो हो रहा है, रन भी हो रहा है, आउटपुट भी दे रहा था, लेकिन सबमिट करते वक्त ना ये मेरे को एक एरर दे रहा है, विच इज यू कैन सी मेमोरी एरर ओवर हियर। मेमोरी एरर का मतलब ये, प्रोग्राम तो मेरा बिल्कुल सही है, प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन जो एरर है वो है मेमोरी एरर। और मेमोरी एरर किस केस में मिलती है इसको भी देखते हैं। जब आपको इस तरीके की एरर आती है, मेमोरी एरर आपको देखने को मिलती है, तो आपको क्या करना है, यहां पर देखिए एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने देखी थी, बिग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन, राइट। लेकिन एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस यानी एक्स्ट्रा स्पेस जो हम यूज कर रहे हैं वो यहां पर क्या होनी चाहिए, बिग ओ वन यूज होनी चाहिए, यानी कि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस अपने प्रोग्राम में यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रीफिक्स सम नाम का एक एरे बना रहे हैं, नया एरे बना रहे हैं जिसकी लेंथ क्या है, एन। ठीक, तो ये जो इस एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा स्पेस अलाउ नहीं करता। सॉल्यूशन बोलता है कि सॉल्यूशन में जब आप जो भी सॉल्यूशन आप सजेस्ट करें उसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस आप यूज नहीं करेंगे। अगर आपने यूज किया तो इट वॉज गिविंग मी मेमोरी एरर जो मेरे को अभी यहां पे मिली थी, राइट। अब नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस भी ना यूज करें और फिर भी हमारा काम हो जाए, ठीक है, और टाइम भी हमारा कम लगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा, और ऑप्टिमल अप्रोच हमें सोचनी पड़ेगी क्या हो सकती है। उसके लिए मैं आपको ना थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड देना चाहूंगा, थोड़ा सा मैथमेटिकली लेकर के जाऊंगा, राइट। तो वी विल बी यूजिंग सम मैथमेटिकल फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, उस पर हम काम करेंगे। तो देखिए जब भी हमारे पास बात आती है ना, 1+2+3+4 सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, राइट, आपने सुना होगा ये फॉर्मूला, भी हम जानते हैं अच्छे से कि इसका फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या निकल के आता है, इट इज जनरली एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये फॉर्मूला हमको पता है। और जब भी हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सीक्वेंस की या सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो इस फॉर्मूले से हम दूर रह नहीं सकते। इस फॉर्मूले को कहीं ना कहीं यूज करके हम अपने लॉजिक्स को ऑप्टिमल बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस पर, तो देखिए ये जो 15 था इसके तीन कॉम्बिनेशन बने थे, 1+2+3+4+5, 4+5+6, 7+8, तीन कॉम्बिनेशन बने थे। अब इन तीनों कॉम्बिनेशन की अगर मैं एक बात आपको समझाऊं तो देखिए सबका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब स्टार्ट पॉइंट के बाद मुझे क्या करना है, सिर्फ उसके बाद वाले नंबर्स को ऐड करना है, ठीक। स्टार्टिंग पॉइंट अगर मुझे मिल जाए, पता लग जाए, जैसे यहां पर देखूं तो स्टार्टिंग पॉइंट सपोज ए है विच इज वन, यहां पर जो सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है वो किससे हो रहा है, फोर से हो रहा है, तो मैं बोलता हूं ए इक्वल्स टू फोर है यहां पर, ठीक है। और यहां पर सीक्वेंस जो स्टार्ट हो रहा है वो किससे हो रहा है, सेवन से हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं ए इक्वल्स टू सेवन यहां पर। तो मेरे पास तीन सीक्वेंस मिले जिनका सबका एक स्टार्टिंग पॉइंट था, जिसको मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया, ठीक है। अब मैं यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस ए प्लस वन प्लस ए प्लस टू प्लस ए प्लस थ्री प्लस ए प्लस फोर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, ए ए प्लस वन ए प्लस टू ए प्लस थ्री एंड ए प्लस फोर। तो अगर ए की वैल्यू वन है तो आई विल गेट दिस आंसर, राइट। क्या मैं इस केस में भी लिख सकता हूं, ए प्लस ए प्लस वन प्लस ए प्लस टू। तो अगर ए की वैल्यू फोर है तो ये दिस विल बी द सीक्वेंस, राइट। चेन देखिए सीक्वेंस की जो लेंथ है वो यहां पर फाइव है, ठीक है, यहां पर थ्री है, और अगर ए सेवन है तो मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस ए प्लस वन। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूं, लेकिन
ये जो सीक्वेंस की लेंथ है, मतलब ए में मुझे ए प्लस वन तक जाना है, ए प्लस टू तक, ए प्लस थ्री तक, ए प्लस फोर तक जाना है, यहां पर ए है, ए की वैल्यू अगर फोर है तो मुझे ए प्लस वन, ए प्लस टू तक ही जाना है, और यहां पर ए की वैल्यू अगर सेवन है तो मुझे ए प्लस वन तक ही ऐड करना है। तो ये जो सीक्वेंस की लेंथ है ये थोड़ा वेरी कर रही है, बाकी स्टार्टिंग पॉइंट अगर ए है तो मुझे इस तरीके से ऐड करना है। तो अगर इस एंडिंग पॉइंट को जहां पर जाके मुझे एंड होना है, इसको मैं एल बोल दूं, राइट, एल इज, तो इस केस में एल की वैल्यू क्या है, फोर, ठीक है, और इस केस में एल की वैल्यू क्या है, टू, जो एंडिंग पॉइंट जहां पर जाके रुकना है, और इस केस में एल की वैल्यू क्या है, वन, राइट। तो मैंने आपको दिया एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक जो ये इसमें वन प्लस टू प्लस थ्री, ये वैल्यू जो ऐड कर रही है कहां तक ऐड करनी है, फोर तक ऐड करनी है, ये ए फोर से स्टार्ट करना है और ये फोर प्लस वन, फोर प्लस टू तक चलना है, ठीक है। तो ये दो चीज अगर मैं आपको दे दूं, ए और एल, इससे आप पता लगा सकते हो सीक्वेंस क्या होने वाला है, पता लगा सकते हैं, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। तो इसको मैंने जनरलाइज कर दिया इस फॉर्मूले कुछ इस तरीके से कि n इक्वल्स टू a, a प्लस वन, ए प्लस टू प्लस ए प्लस एल, और l की जो वैल्यू है वो यहां पर a की वैल्यू और l की वैल्यू, दो वैल्यू अगर मैं आपको दे दूं तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो n इज एक्चुअली फाउंड विथ द टू वैल्यूज a और l अगर मेरे पास हैं, तो मैं कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे ऐसे मैं ये निकाल पाऊंगा, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा जनरलाइज करता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं। तो अगर मैं यही क्वेश्चन लिखा n इक्वल्स टू a, a प्लस वन, a प्लस टू, a प्लस अब तक a प्लस l, अगर मैंने सारे a यहां से कॉमन लिए, राइट, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, तो कितने a होने वाले हैं, ये l प्लस वन a होने वाले हैं। तो मैंने लिख दिया l प्लस वन इंटू a, सारे a कॉमन लिए यहां से, ठीक है, प्लस यहां से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू l यहां पर बचेगा, ठीक, ये मैंने अलग लिख दिया इनको, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस, इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो आराम से, n नंबर से करते हैं, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो l तक किया तो इट इज गोइंग टू बी l इंटू एल प्लस वन बाई टू, ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लगा दिया, l इंटू एल प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा l प्लस वन इंटू a, ये तो यहां पर आ गया एज इट इज, राइट, और इसको हमने फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर मैं यहां पर इसमें स्विच करके a की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, n माइनस l इंटू एल प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई l प्लस वन, इससे हमने ये वाली इक्वेशन ड्राइव कर ली, तो a की वैल्यू मुझे मिल सकती है। आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ आई, n मुझे पता है, n मुझे पता है 15, हमारे केस में भी क्या था 15, इस l की वैल्यू क्या है, l इज द लेंथ, वन टू थ्री फोर, कितनी लेंथ का मुझे मिलने वाला है सीक्वेंस, राइट, उसकी वैल्यू l है, तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, राइट। तो देखिए n मेरा 15 है, मैं अभी l की वैल्यू मानता हूं 1 है, ठीक, इसी फॉर्मूले में मैं n की वैल्यू 15 और l की वैल्यू 1 पुट करता हूं, यानी मुझे क्या चाहिए, देखिए a और a प्लस वन, ये वाला सीक्वेंस चाहिए, l की वैल्यू क्या है 1, तो यानी ये सीक्वेंस मिलेगा मुझे, ठीक है। इस सीक्वेंस के लिए मैंने क्या किया, n की वैल्यू 15 यहां पर डाल दी और l की वैल्यू मैंने 1 डाल दी, ठीक है, सब जगह इसी फॉर्मूले में, ठीक। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी, यानी कि सीक्वेंस क्या बनेगा, 7 प्लस 7 प्लस 1 विच इज 8। तो अगर a की वैल्यू 7 ऑन द l की वैल्यू मैंने 1 लिया, यानी दो लेंथ का मैंने निकालने की कोशिश की है, तो उस केस में a की वैल्यू मैंने निकाल दी, मेरी मैंने इस फॉर्मूले में पुट किया, वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब मुझे पता है सीक्वेंस क्या होने वाला है, a और a प्लस 1, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8, ये एक सीक्वेंस मेरे को मिल गया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे, एल की वैल्यू अगर 2 है, ठीक, एल की वैल्यू 2 का मतलब सीक्वेंस किस तरीके का होने वाला है, ए ए प्लस 1 और ए प्लस 2, एल की वैल्यू क्या है, 2 है ना, तो इस ये सीक्वेंस होने वाला है जिसकी लेंथ 3 होगी हमारी, ठीक है। अब मैं यहां पुट करता हूं इस फॉर्मूले में 15 और यहां एल की वैल्यू पुट कर दी 2, इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 4। Now it means a equals to 4. A equals to 4 means यहां पर मैं लिखूं 4 plus 4 plus 1 plus 4 plus 2, right? और देखो आप इसको 4 plus 5 plus 6, इसका सम क्या आने वाला है, 15 आने वाला है। तो हमें क्या मिल गया, देखिए l की वैल्यू मैं गेस कर रहा हूं,
वन रखा मैंने, टू रखा मैंने, और ए की वैल्यू मैं निकाल ले रहा हूं क्योंकि एन की वैल्यू मुझे पता है, एल की वैल्यू मैं गैस कर रहा हूं कि एल की वैल्यू अगर वन होगी, मतलब दो लेंथ का अगर मुझे चाहिए तो एल की वैल्यू को वन रख दूंगा, तीन लेंथ का चाहिए तो एल की वैल्यू को टू रख दिया, तो तीन लेंथ का सीक्वेंस मिल गया। ठीक है, अब मैंने क्या करता हूं यहां पर, ठीक है, अब मैं एल की वैल्यू थ्री रखता हूं, यानी कि मुझे चार लेंथ का सीक्वेंस चाहिए। तो चार लेंथ का सीक्वेंस अगर मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एल की वैल्यू मैंने रखूंगा थ्री, यानी कि सीक्वेंस किस तरीके का होने वाला है, ए ए प्लस वन, ए प्लस टू और ए प्लस थ्री, ये चार लेंथ का सीक्वेंस मेरे को मिलने वाला है। तो अगर मैंने एल की वैल्यू थ्री रखी और एन की वैल्यू 15 है तो मुझे देखो ए की वैल्यू क्या मिलती है, राइट, ए की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 2.25, इस फॉर्मूले में रखता हूं तो, और 2.25 कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब कि मेरे को एल की वैल्यू थ्री के लिए यानी कि चार लेंथ का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं मिलने वाला, ठीक है, यानी कि चार लेंथ का कॉम्बिनेशन नहीं मिलना है, इसलिए मेरे को इसमें मैं काउंट इंक्रीज नहीं करने वाला। तो एक चीज मेरे को समझ में आई क्या, अब मैं आगे एक और केस दिखाता हूं आपको, देखिए अगर एल की वैल्यू फोर यानी कि मुझे पांच लेंथ का सीक्वेंस चाहिए इस तरीके से, ए ए प्लस वन, ए प्लस टू, ए प्लस थ्री और ए प्लस फोर, ये मेरा चार लेंथ का, पांच लेंथ का सीक्वेंस हो गया जहां एल की वैल्यू क्या है, फोर है। ठीक है, तो इस केस में अगर n की वैल्यू 15 और l की वैल्यू मैंने 4 डाल दिया, इस फॉर्मूले से मुझे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल गई 1, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 इन सब सबको मैं ऐड कर दूंगा तो आंसर क्या आने वाला है, 15 आने वाला है। तो एक चीज आपने ऑब्जर्व की क्या, कि जब मैं l की वैल्यू यहां से शुरू कर रहा हूं, 1 से लेकर स्टार्ट पुट करना शुरू कर रहा हूं इस फॉर्मूले में, पहले मैं l की वैल्यू को 1 मान रहा हूं, फिर l की वैल्यू को 2 मान रहा हूं, फिर l की वैल्यू को 3 मान रहा हूं, फिर 4 मान रहा हूं, फिर 5 मान रहा हूं, मैं इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाऊंगा और हर एक l की वैल्यू के लिए मैं यहां चेक कर रहा हूं इस फॉर्मूले में कि a की वैल्यू क्या मिल रही है। a की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर है तो मैं बोल देता हूं कि सीक्वेंस मिल जाएगा, a की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो मैं क्या बोलता हूं, सीक्वेंस नहीं मिलेगा। समझ में आ गया, इस फॉर्मूले में L की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे पुट करना, ठीक है, N की वैल्यू हमें पता ही है, अगर A की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है तो हम बोलेंगे सीक्वेंस मिलेगा, अगर नेचुरल नंबर नहीं आती जैसे 3 के केस में 2.25 आई थी तो हमने क्या बोला था, हमें सीक्वेंस नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो क्या, कि हम इस L की वैल्यू को कहां तक गेस करेंगे, राइट, मैक्सिमम लेंथ हमारी चेन की क्या हो सकती है, तो इस L की वैल्यू को गेस कहां तक करना है वो हमें पता करना है। तो उसके लिए देखिए मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक दिखाता हूं। देखिए अगर मेरे पास कोई भी नंबर है 15 सपोज, राइट, तो 15 का सबसे लंबा कॉम्बिनेशन कहां से मिलने वाला मेरे को बताओ, आप सोच के देखो 15 अगर नंबर है मेरे पास, इसकी सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो मिलेगी वो कहां से कहां तक मिलेगी, इट विल बी 1 से, अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 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 समथिंग समथिंग, तो अगर किसी भी नंबर n की मुझे लॉन्गेस्ट चेन पता करनी तो वो कहां से स्टार्ट होगी, 1 से ही, मतलब लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होगी, राइट, 1 से अगर मैं स्टार्ट करूं नंबर कंबाइन करना, ठीक है, मिलाना, ठीक, और उसके बाद मेरे को एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पर वो सम जो है इससे एक्सीड कर जाएगा, राइट। तो देखिए अगर 2 से स्टार्ट होगी कोई भी लेंथ, अगर 2 से कोई भी सीक्वेंस स्टार्ट होगा जिसका सम जो है वो ये नंबर के बराबर आ रहा है, तो उसकी लेंथ हमेशा इस वाले इस लेंथ से कम, ज्यादा कम होने वाली है, मैक्सिमम लेंथ जो मिलने वाली है मुझे वो यहां से 1 से स्टार्ट होके ही मिलने वाली है। समझ में आ रहा है, हम क्या करने वाले हैं, कोई भी नंबर गिवन है, देखिए कोई भी नंबर n अगर मेरे पास है, राइट, तो इसके कॉम्बिनेशन, इसका जो सीक्वेंस है उसकी लॉन्गेस्ट लेंथ कहां मिलेगी, वो 1 से स्टार्ट होगा जो इसका कॉम्बिनेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस समथिंग, यही लेंथ जो होने वाली है वो लॉन्गेस्ट होने वाली है। जो भी लेंथ 2 से स्टार्ट हुई, 3 से स्टार्ट हुआ जो सीक्वेंस, 4 से स्टार्ट हुआ, 5 से स्टार्ट हुआ, उन सब की लेंथ जो है वो इससे कम होने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं सब सारे नंबर्स को ऐड करना, ठीक है, और सपोज n नंबर था, राइट, और मैंने स्टार्ट किया 1 से स्टार्ट किया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, राइट, और एक ऐसा पॉइंट मुझे मिल जाए जहां पर, कोई भी एक पॉइंट मिल जाए जहां पर
ये जो सम है वन से लेकर के एक्स नंबर तक का सम जो है वो इस एन से एक्सीड हो जाए, राइट? सो दैट विल बी द लेंथ ऑफ मैक्सिमम, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन और सीक्वेंस दैट आई एम गोइंग टू गेट, ठीक है? तो एग्जांपल देखता है 15 वाले केस में, देखिए 15 वाले केस में मैंने क्या किया, 1 प्लस 2 प्लस 3, सम क्या हो गया 1 प्लस 2 सम हो गया 3, 3 प्लस 3 हो गया 6, 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15, इससे ज्यादा यानी 5 लेंथ से ज्यादा लेंथ का सीक्वेंस मुझे नहीं मिलने वाला कभी भी, ठीक है? बात करते दूसरे नंबर की, देखिए 20 के लिए मेरे को मैक्सिमम कितनी लेंथ का सीक्वेंस मिलता है, देखिए 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 इज 6, 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15, 15 प्लस 6 इज 21, यानी कि अब यहां इस पॉइंट से आगे 20 के लिए मैक्सिमम जो सीक्वेंस की लेंथ मिलने वाली है वो 6 होने वाली है, इससे ज्यादा लेंथ का सीक्वेंस मेरे को नहीं, इससे छोटे सीक्वेंस मिल सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा सीक्वेंस, इससे बड़ा सीक्वेंस मेरे को नहीं मिलेगा। एक और नंबर लेता हूं मैं आपके लिए, देखिए अगर मेरा नंबर है सपोज 36 के लिए मैक्सिमम सीक्वेंस की लेंथ निकालेंगे तो 1 प्लस 2 इज 3 प्लस 3 इज 6 प्लस 4 इज 10 प्लस 5 इज 15 प्लस 6 इज 21 प्लस 7 इज 28 प्लस 8 इज 36, राइट? दिस विल बी द मैक्सिमम लेंथ जो कि मेरे को 36 के लिए मिलने वाली सीक्वेंस की, इसके बाद जितने भी कॉम्बिनेशन मिलेंगे वो इससे छोटी लेंथ के ही मिलेंगे, इससे बड़ी लेंथ के नहीं मिलने वाले। आई होप यू गॉट दिस, समझ में आ गया? तो मैं 1 से स्टार्ट करना शुरू करूं और एक ऐसा पॉइंट जहां पर ये सम इसको ब्रेक कर दे तो वो पॉइंट जो होगा वो पॉइंट मेरी मैक्सिमम लेंथ को डिफाइन करेगा, यानी एल की मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन करने वाला है, ठीक है? चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसका कोड समझाने की कोशिश करता हूं। तो कोड हम कैसे करेंगे इसका, काउंट की वैल्यू हमने शुरू में ली 0 और चेन लेंथ अभी मैंने ली 0, ठीक है? ये जो पूरा जो लॉजिक आपको ये व्हाइल लूप दिखाई दे रहा है, ये व्हाइल लूप हमने निकाला है चेन लेंथ निकालने के लिए, ठीक है? तो जब तक सम की वैल्यू लेस देन एन है, मैंने बताया ना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करते चले जाएंगे, ठीक है? चेन लेंथ को हमने एक से बढ़ा दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके से और सम में ऐड कर दिया। जैसे ही सम जो है एन से जब तक छोटा है तब तक ये बढ़ती रहेगी, चेन लेंथ हमारी बढ़ती रहेगी और लास्ट में हमारी चेन लेंथ जो है, जो चेन लेंथ की वैल्यू होगी वो हमारी मैक्सिमम चेन लेंथ की वैल्यू होने, यानी एल की वैल्यू हमें मैक्सिमम वहां तक चलानी है। फिर देखिए हमने कुछ नहीं किया, सिंपल फॉर एल इन रेंज 1, n, 1, चेन लेंथ, तो चेन लेंथ तक हमने एल की वैल्यू हम इसमें पुट करना शुरू कर देंगे इस फॉर्मूले में, और जैसे ही फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ए की कुछ वैल्यू निकल करके आएगी, ए की वैल्यू जो निकल कर आएगी हम उसको चेक करेंगे क्या वो रियल नंबर है। रियल नंबर चेक करने का मतलब क्या है कि आपके पास सपोज ए की वैल्यू आ गई 2.25, तो 2.25 को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, राइट? और चेक किया क्या 2.25 इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद भी 2.25 है, यानी मैंने कोई भी नंबर ए दिया, सपोज ए की वैल्यू है 2, देखिए अब इस ए को मैं इंटीजर ऑफ ए निकालूंगा तो ए और इंटीजर ऑफ ए दोनों बराबर होने वाले हैं, तो अगर ये ए मेरा नेचुरल नंबर है तो ए और इंटीजर ऑफ ए बराबर होंगे, लेकिन अगर ए मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, सपोज ए जो है क्या है 2.25 है, तो इंटीजर ऑफ ए क्या हो जाएगा 2, तो ये दोनों इस केस में बराबर नहीं होंगे। तो अगर मेरे को चेक करना है कोई नंबर नेचुरल नंबर है या नहीं तो उसकी इंटीजर वैल्यू निकालूं और दोनों को कंपेयर कर लूं, इफ ए इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ ए तो मैं काउंट को इंक्रीज कर देता हूं, तो इससे मेरे को पता लग जाएगा कि ए की जो वैल्यू आ रही है वो नेचुरल नंबर आ रही है, अगर नेचुरल नंबर आ रही है तो मैं काउंट को इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम इसको कोड करेंगे और सबमिट करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए चलते हैं अपने पोर्टल पर, ठीक? अब यहां पर हम अपना जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन सबमिट करते हैं, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वेरिएबल लिया था चेन लेंथ, राइट? तो देखिए काउंट तो हमारे पास है 0, अब हमने चेन लेंथ इनिशियली ये क्या रख दिया, हमने 0 रख दिया, उसके बाद एक सम वेरिएबल लिया उसको भी हमने 0 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वाइल यही हमने किया था, वाइल सम इज मैक्सिमम चेन लेंथ निकालने के लिए, ठीक? तो हमने क्या किया, चेन लेंथ
को एक से इंक्रीज किया, ठीक है, और इसको सम में हमने ऐड कर दिया, सम प्लस इक्वल्स टू चेन लेंथ, ठीक। अब जब तक ये चेन लेंथ एक वन प्लस टू प्लस थ्री करती रहेगी, और जैसे ही ये नंबर से एक्सीड हो जाए तो हमें मैक्सिमम चेन लेंथ मिल जाएगी, मैक्सिमम चेन लेंथ हमारी यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल जो हमें चाहिए वो हम यहां से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फॉर लूप फॉर एल की एक एक वैल्यू करके पुट करने वाले हैं इन रेंज, कहां से कहां तक चलेगी एल की वैल्यू, वन से लेकर स्टार्ट होगी, एल की वैल्यू सबसे पहली वैल्यू वन से लेकर के चेन लेंथ, राइट, और चेन लेंथ तक हम क्या करने वाले हैं, ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू के लिए फॉर्मूला हमारे पास था, फॉर्मूला विच वॉज राइट एन माइनस एल इंटू राइट एल इंटू एल प्लस वन बाय टू, ठीक है, और ये पूरा जो है पूरा का पूरा डिवाइड किससे हुआ था, एल प्लस वन से, राइट, इस पूरे को हमने डिवाइड किया एल प्लस वन से, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला हमने यहां लिख दिया, ठीक है, थोड़ा सा स्पेसेस देते हैं सो दैट लुक्स राइट रीडेबल। अब जब ए की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या चेक करना है, ए की जो वैल्यू आई है वो नेचुरल नंबर है या नहीं, तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, इफ ए इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ ए, राइट, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है इसका मतलब ए क्या है, हमारा नेचुरल नंबर होने वाला है। तो अगर ऐसा है तो काउंट की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन कर दिया हमने, ठीक, और उसके बाद जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा हम काउंट की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। आई होप यू गेट दिस। अब इसको क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं इसको सबमिट करने की, ठीक है, एस्केप दबाता हूँ, ये कोड हमारा है, तो पहले कंपाइल करता हूँ, देखिए कंपाइल करने के बाद ये आंसर सही है या नहीं इससे पता लग जाएगा, 10 के लिए इट शुड गिव 1, तो देखिए इट इज गिविंग मी 1 फॉर 10। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले दो तो टेस्ट केस जो है वो मेरे फेल हो चुके हैं, पहले दो केस जो कोड में सबमिट किए थे वो फेल हो गए थे, एक टाइम लिमिट एक्सीडेड की वजह से और एक मेमोरी की वजह से। यहां पर देखिए कोड जो है मेरा करेक्ट सबमिट हो गया क्योंकि इसमें मैंने दोनों चीज एकम्प्लिश की है, टाइम जो है वो मेरा भी स्क्वायर रूट ऑफ एन तक चल रहा है और एक्स्ट्रा स्पेस मैंने कोई भी इसमें यूज नहीं किया है। आई होप यू गॉट दिस, यू एंजॉय द सेशन, किस तरीके से मैंने प्रॉब्लम के अप्रोच को किया, ठीक है, ब्रूट फोर्स या प्रीफिक्स सम के बाद कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करके हमने अपने कोड को ऑप्टिमाइज किया और एक फॉर्मूले की हेल्प से राइट हमने जो कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर या एन आ रही थी उसको स्क्वायर रूट ऑफ एन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कोई भी दिक्कत कोई क्वेरी आपको लगती है किसी भी अप्रोच में जो हमने डिस्कस किया है उसमें तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, विल ट्राई टू रिवर्ट बैक, और कोई भी अगर आपको सजेशन लगता है कि आपको इंप्रूव कर सकते हैं तो वो भी आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में एड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।